ओके। इट्स डन। अफसोस ना खबर से आगाह करेंगे, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दानिया सलाउद्दीन और डॉक्टर हसन एक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो, जबकि दानिया सलाउद्दीन और डॉक्टर हसन को तमाम तरह इजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दानिया सलाउद्दीन एक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गई हैं, जबकि दानिया सलाउद्दीन को तमाम तरह इजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सबा आफ्ताब, आपके फेवरेट शो आज की अहम खबर पे। आज हमारे साथ सेट पे मुहिब्बे वतन पार्टी के दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, शहाना गयासुद्दीन और शहरोज़ गयासुद्दीन। आइए चल के उनसे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो मैडम शहाना आपको, आप एक बार फिर अपनी पार्टी की तरफ से CM मुंतखब की जाने वाली हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं सबको सलाम कहना चाहूँगी और आपको भी सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। दरअसल मैं समझती हूँ और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोबारा डाल रही है कि हम आवाम की खिदमत करें, और उम्मीद है कि पिछली दफ़ा की तरह भी इस बार हम आवाम को ना मायूस नहीं करेंगे। आवाम की खिदमत करना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है, और इंशाल्लाह हम पूरे जोश से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो आपका ख़ानदान इन दिनों काफ़ी क्राइसिस से गुजरा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या कह सकती हूँ, इतना बड़ा क्राइसिस, क्या बताऊँ। मुश्किल था ख़ानदान के लिए, लेकिन हम पब्लिक फिगर्स हैं, चाहे कुछ हो जाए हमें तो आवाम की खिदमत करना होता है। अब आप जानती हैं छुपी ढकी बात तो है नहीं, सबके सामने ही है सब कुछ। हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही एक ट्रांसपेरेंट सी होती है, सबको पता होता है कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है। आवाम को हमसे इतनी सारी उम्मीद है ना, तो वी कांट लेट द पब्लिक डाउन। हमारा वोटर बहुत अहम होता है हमारे लिए।